हेलो हाँ जानू। अरे मेरी रसमलाई कहाँ हो तुम यार? कब से इंतजार कर रहा हूँ। रस इधर छोड़ के मलाई किसको बांट रही हो? ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में हो? अभी तेरे चोकटे का रेनोवेशन नहीं हो सकता? सुंदर मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। जानू मैं मॉल पहुँच गई। मॉल में पहुँच गई? हाँ। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया कि तू वाकई चुड़ैल है। पल में यहाँ वहाँ, तुझसे छुटकारा पाने के लिए चिटकारा पंडित से छुटकारा हवन। सुपर। कौन है बे? तेरा कोई राक्षस भाई मिला मुझे? हाँ रुक, बात कराता हूँ। कहाँ गया बे? खयामत। तू सबर का घूट पी जरा। ठीक है। बोल बे खजूर। कुछ नहीं सर, अगर आप 1000 रुपए दोगे तो आपको रईस बना दूंगा। क्या? तू लाइन चालू रख चमेली, कोई रावस स्कीम बता रहा है। देखता हूँ तेरे लिए कुछ है क्या। बोल बे। एक मिनट सर, खोपचे पे आइए। आइए ना, आइए। अच्छा प्लीज आइए। खोपचे में गाली जा रहा है? इधर खड़े हो जाइए। आपको फटाफट तस्वीर में रईस बना कर देता हूँ। ये स्कीम है, खर्चा करवा रहा है। आप अकेदी कीजिए। ये मेरी तस्वीर बना नहीं रहा है, मुझे बना रहा है। एक ढिल्ला मेरा स्केच बना रहा है और मुझसे 1000 ढिल्ले भी करेगा। पिछड़े हुए मेले में तेरा बिछड़ा हुआ भाई लगता है। चलो चलो बीच पर चलकर भुट्टा खाते हैं। ऐसी ख्वाहिश था तेरे अलावा कई लैलाओं की है, लेकिन ये मज्जू पूरा नहीं होने देता। अबे तू चलते हुए आ रही है, रेंगते हुए? शाम तक पहुँचेगी क्या? बस पहुँच रही हूँ। क्या है? सर तैयार है सर। कह रहा है अगर तू तैयार है तो उसका एक लूला भाई है तेरी अंधी बहन के लिए, वही रिश्ता पक्का कर दो। कैसा लगा? अबे ये कौन है बे? अच्छी तस्वीर है जिसकी भी है। 1000 रुपए दीजिए। इसे ले ले। मेरे खानदान में से कोई नहीं। अरे आप ही हो, आप ही हो। अरे रईस बन गए। अरे सुन, किसी ट्रक के नीचे आके मर जा, जल्दी मार। अरे मजाक कर रहा था, तू ट्रक के नीचे आई या ट्रक तेरे नीचे आ गया? दोनों को निकालता। अरे सर सर सर, मेरे 1000 रुपए सर। एक सेकंड दबी रहना। हाँ बोल सर, आ रहा हूँ। 11 नंबर की बस लेके आ रहा हूँ। मिलोगे आप मुझे? मिलूंगा। जब तू 1 फुट पानी में डूब रहा होगा ना, तब तुझे चुल्लू भर पानी में डुबो डुबोगे मारूंगा। अरे फुकटिया कही का, डुबो के मारेगा। अरे बेटा, बहन जी घर में है? हाँ अंदर है। ये नई गाड़ी है क्या? हाँ नहीं, चुमत पुरानी हो जाएगी। बेटा तुम्हारी कॉफी। थैंक्स माँ। हाँ जब तुम पैदा हुए थे ना बेटा, तुम्हारे सर पे इतने लंबे बाल थे, तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत लगते थे कि मैं चोटी बांध देती थी। अब बरसों बाद इन बालों में तेरा बचपना नजर आ रहा है। कहो तो फिर से चोटी बना दूं? क्या माँ, ये मेरा अंदाज है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं है, स्टाइल है तभी तो बढ़ाने दिया। बहन जी कहाँ हो? बेहतरीन रिश्ता लाया हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है और खानदान भी ऊँचा है। लड़की काफी संस्कारी है। 2 भाई बहन एक ही है, बड़ा भाई अमेरिका में है। रही बात छोटे की, वो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में सेट हुआ है, आपको कोई एतराज तो नहीं? सुनो पंडित, अगर उसके माँ बाप सब कुछ बेच बाज कर चांद पर बस जाएं, या अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पड़ोसी बन जाएं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। अरे क्यों मजाक कर रही हैं? आपको रिश्ता पसंद आया कि नहीं? तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है। हाँ तो तुम ही कर लो ना। पर रिश्ता तो आपकी बेटी के लिए है। माफ करना पंडित जी, अब शादी ब्याह की बात हमारे घर में नहीं होती। वैसे भी मेरी जिंदगी अब कितनी बची है, घर में शांति वाला माहौल है, इसे बना रहने दीजिए। अब आज के जमाने की लड़की मेरे घर में आके मुझे ही नखरे दिखाएगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब और रिश्ते मत लाइएगा, अब आप जा सकते हैं पंडित जी। भाई हाँ बोल, नारियल फोड़ने आ जाओ। मैं रिमोट वाली कार चला रहा था तो भाई का दिल भराया और उन्होंने ये दिला दिया, अब टोटल 300 टैक्सी है। ए छुटके, घर में 300 गाड़ियाँ चाहिए या 3 बच्चे चाहिए? हा? सही कह रही है। आपका जवान बेटा पैदा करेगा। अरे पता नहीं किस जन्म में पैदा करेगा, अभी तो नारियल फोड़। संभाल के चलो। हाँ इधर ले आओ, यहाँ रख दो, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। ए टैक्सी टैक्सी, रुको रुको। गुड मॉर्निंग चिचा। सलाम। बोली कहाँ जाएंगे? गांधीनगर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये नया टीवी है। मेरी भी नई गाड़ी है, आप ही पहले कस्टमर है। बढ़िया है, मेरे टीवी का भी हैप्पी बर्थडे और तुम्हारी गाड़ी का भी। कितना लोगे? जो भी देंगे ले लूंगा चिचा। 100 रुपए दे देना। 50 50 20 उंगली दिया तो हाथ पकड़ रहे हो। ए दूसरों की तरह मैं गरीब से अमीर नहीं बना, काफी रईस था मैं, लाखों करोड़ों खैरात में देता था मैं। ऐसे टीवी तो मैं मोहल्ले में बांट देता था। हाँ अब मेरे दिन पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए भावताव कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है रो मत, दे देना। तो पहले ही मान जाते। बेटी तुम अंदर बैठो जी। इसे जरा संभाल कर उठाओ, ध्यान से, नया टीवी अरे है। जिम जाता हूँ। ध्यान से। अरे ऐसा ऊपर क्यों रख रहा? अरे जरा चेक करो, टूट गई ना? जरा फिर से पटकना, पटको। सिर्फ स्क्रीन टूटी होती तो गारंटी में रिप्लेस हो जाती,
मुझे तो नया टीवी चाहिए, चल दिला। अरे चीचा आप किरकिरी कर रहे थे इसलिए टूट गया। ए, मैंने संभाल के उठाने को कहा। संभालने तो ऐसा बोल रहे थे जैसे ताजमहल उठा रहा हूं। मैंने तुमको पहले ही बताया था। अरे माफ कर दो चीचा, गलती मुझे हो गई कुछ यार। नहीं सुनना है, मुझे नया टीवी चाहिए, चलो दिलाओ हमें। चलो अंदर, इसकी गाड़ी की चाबी आप ले लीजिए। अरे चीचा नहीं, गाड़ी है चीचा, रहम करो। रहने दीजिए, चाबी अंदर ही, चलिए पापा आइए। अरे नहीं छोड़ो पापा। अरे भैंजी सुनो ना, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे गरीब को लूटोगे क्या? अरे मेरी गाड़ी है, नई गाड़ी है। अरे रुको, अरे भैंजी सुनो तो सही। ए छोटे, हॉस्पिटल क्यों बुलाया? वो छोकरी यही काम करती है। कौन छोकरी? अरे जिसके बाप ने हमारी टैक्सी ले ली है। लड़की ने विजिटिंग कार्ड दिया था और कहा था कि यहाँ आ जाना, बात करेंगे। क्या नाम है उसका? श्री विद्या। श्री विद्या? हाँ। देवी माँ की भक्त तो नहीं है? उसका नहीं पता, पर बाप है वहाँ। देख कहाँ पे। एक्सक्यूज मी, यस श्री विद्या, आप ही है क्या? सॉरी शायद आप नहीं है। नहीं, आप जाइए। जी सुनिए, वो रही। को देखते ही 440 का झटका लगा। ये पटाखा ही डॉक्टर है? या मैडम का रूम कहाँ है? मैडम अचानक भाई को क्या हो गया? अब लैब से रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। यस रश के कमर। एक्सक्यूज मी, हम अखिल डॉक्टर श्री। नाइस मीटिंग यू। आप इसके साथ आए हैं? या टीवी कहाँ है? मेरी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारी गाड़ी मेरे पास ही है, तुमने मेरा टीवी क्यों तोड़ा ये बताओ। तुम्हारे बाप के किरकिरी की वजह से टूटी है। झूठ। देखिए सर, अखिल देखिए अखिल, फर्स्ट जॉब की फर्स्ट सैलरी से मैंने अपने लिए टीवी खरीदा था, उसे तोड़ दिया। तुमसे हसीन मैंने आज तक नहीं देखी। एक्सक्यूज मी, अरे भाई तुम तो सख्त लौंडे हो, आग देख के क्यों पिघल रहे हो? कैसा इंसान है यार, एक डॉक्टर के साथ ऐसा बर्ताव करता है? तो आपके मुताबिक इसने आपका नुकसान किया है? जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अचानक से वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। अबे चुप कर, आप क्या चाहती हैं? मुझे बस मेरा टीवी वापस चाहिए। छोटू की गलती के मुआवजे के तौर पर मैं आपको एक बड़ी सी टीवी देना चाहता हूँ, 32 inches या 42 inches। नहीं 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 नहीं, मुझे बस मेरा टीवी ही चाहिए। ये तो नहीं होगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बड़ी वाली टीवी दूँ। भाई टीवी छोड़ो, इसके बाप ने अपनी 5 लाख की कार सब क्यों करना? मुझे बस जल्द से जल्द मेरा टीवी वापस चाहिए बस। काम हो जाएगा, तब तक गाड़ी आपके पास रखिए। अखिल याद रखिए, आई एम ऑर्थोपेडिशियन। ऑर्थोपेडिशियन यानी कि आप हड्डियां जोड़ती हैं। टीवी ना मिला तो दिल तो नहीं तोड़ देंगी? दिल तोड़ना मेरा शौक नहीं पता है। पता आप तोड़ती नहीं है, छोड़ती है। बाय ब्यूटीफुल डॉक्टर। बाय। आई एम अखिल।
कौन है भाई? जर्नलिस्ट राम कुमार, तू ही है? जी मैं ही हूँ। आज के पेपर में शहर में क्राइम ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में तूने लिखा था? जी हाँ। अरे बैठ। नहीं साहब आप मारे। बैठ। अरे क्या लिखा था जरा बता। कि शहर में चोरियां बढ़ गई हैं और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। सही बता। चोरियां बढ़ गई हैं, पुलिस जरा ध्यान दे तो बेहतर होगा लिखा था। सच बताओ क्या लिखा था? शहर में चोरियां बढ़ गई हैं और पुलिस नामर्दों की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, और नए स्पेशल ऑफिसर का शहर में होना ना होना एक ही बात है, ऐसा लिखा था। ये कौन है? मेरा बेटा है। ये कब रोता है तुम जानते हो? हाँ, जब भूख लगती है तब रोता है, या आपके जैसा शरीफ आदमी इसे सताता है तब। इसे भूख कब लगती है तुझे पता है? जी नहीं पता। इसे कब कोई सताएगा तुम जानते हो? नहीं नहीं। अच्छा ये बता, ये किस वक्त सुसु करेगा तुझे पता है? नहीं पता। अचानक तुझ पे सुसु करेगा तो तू रोक सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। तेरा बेटा किस वक्त क्या करेगा तुझे पता नहीं? ये सुसु करेगा तो तू रोक नहीं सकता। पुलिस के साथ भी ऐसा ही है। शहर में कौन सा मुजरिम कब कहां जुर्म करेगा हमें कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? मार क्यों रहा है? अरे सर, सर रहने दीजिए। सर रुक जाइए। सर उठिए उठिए। अरे छोड़ चेरी। अरे सर सर प्लीज, पहले से ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से आर्टिकल दिखता है चेरी। तो समझा दे इसे, आइंदा ऐसा कुछ लिखेगा तो लिखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके। अब लिखूंगा बे, शहर में होने वाली चोरियों को बच्चे के सूसू के साथ तुलना करके छुपाना चाहता है, कैसा स्पेशल ऑफिसर है ये लिखूंगा। ए जी कौन है वो? नहीं समझी क्या? यही स्पेशल ऑफिसर है। अरे इसका थोबड़ा तो देखो, मुझे लगता है शहर की सब चोरियां यही करवा रहा है। इसकी बैंड बजाता हूँ, लिख के शहर छोड़ के भाग जाऊंगा, देखता हूँ क्या करता है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं साहब, आपकी तारीफ कर रहा था। चुप हो जा बेटा, पुलिस चली।